हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं एसटीआर क्लासेस। और आज हम आपके लिए बेंजीन से फिनोल बनाने के 3 मेथड लेकर आए हैं। आइए देखते हैं ये वीडियोस। मेथड नंबर फर्स्ट, बेंजीन से फिनोल को बनाना, बेंजीन का फिनोल में इंटर कन्वर्टिंग करना। तो हम बेंजीन से फिनोल कैसे बनाएंगे, उससे पहले हम कुछ बातें याद कर लेते हैं। जैसे बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, और बेंजीन को जब हम रिंग में लिखते हैं, बेंजिंग रिंग जिसे बोलते हैं हम, ये होता है बेंजिंग रिंग। और फिनोल का जो फॉर्मूला होता है C6H5OH होता है, और बेंजिंग रिंग में इसका फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब हम बेंजीन का क्या करें, सल्फोनेशन कर दें, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सल्फोनीकरण कर दें। तो हमें सल्फोनीकरण करने के लिए बेंजीन का क्या लेना होगा, हमें लेना होगा कंसंट्रेट फ्यूमिंग H2SO4, जिसे हिंदी में कहते हैं सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमने यहाँ पर कंसंट्रेट फ्यूमिंग H2SO4 को क्या करा, ले लिया। उससे हमें क्या बन जाएगा, उससे हमें सल्फोनिक एसिड ऑब्टेंट हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं। उसके बाद हमें इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देनी है, जिससे हमें ऑब्टेंट हो जाएगा सोडियम। क्या ऑब्टेंट होगा देखते हैं, उसका नाम भी बताते हैं आपको। तो हमें क्या ऑब्टेंट हुआ, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या ऑब्टेंट हो गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ऑब्टेंट हो गया। उसके बाद हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में फ्यूज करा देंगे। फ्यूज का मतलब समझते हैं, संग गलित करा देंगे, जिससे हमें फिनोल ऑब्टेंट हो जाएगी। अब बेटा इसे समझ लो ध्यान से, इस स्टेप को हम याद कैसे करेंगे, हम इसको रट्टा तो लगाएंगे नहीं, रट्टा लगाएंगे सब भूल जाएंगे। तो हम इसे कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे वो आपको समझाता हूँ। देखिए पहले ये स्टेप समझिए कैसे बना। देखिए बेंजीन है ये, और बेंजीन का जो ये कॉर्नर देख रहे हैं ना आप बेटा, यहाँ पर कार्बन 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 और कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो मैं एक हाइड्रोजन इस तरह से दिखा सकता हूँ, और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब आप लुईस बिंदु सूत्र बनाते हो तो कुछ इस टाइप से बनाते हो, इस टाइप से बनाते हैं ना, दो ऑक्सीजन ऊपर होते हैं। देखिए यहाँ से ये एच और यहाँ से ये ओ एच को आप कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको, H2O प्राप्त हो जाएगा। अब बेटा इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये SO2 और ये O, तो SO3H बनता नहीं बनता, इसको आप बेंजिंग रिंग की स्टेट पर लगा दीजिए, तो हमें क्या ऑप्टेंट हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये ऑप्टेंट हुआ नहीं हुआ। अब हम इसकी रिएक्ट ना सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। सोडियम बेटा फॉर्मूला ये होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। तो हम क्या देखते हैं बेटा, तो ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको और ये जो दिखाई दे रहा है, बताइए क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और ये सोडियम जो है ना यहाँ पर बेटा आ जाएगी, तो ये क्या बना देगी बोलो, ये बना देगी क्या, नाम क्या बताया था इसका अभी, सोडियम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बताया था नाम इसका। अब इसकी रिएक्ट किससे करानी है हमें, फिर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देना बेटा, इसमें फ्यूज करा देना। तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्यूज कराओगे बेटा इसको, देखिए यहाँ से ना इन दोनों को रिएक्ट करा दी, यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, Na2SO3, ये OH बचा नहीं, इसको यहाँ पर बेंजीन रिंग पर लगा दीजिए ऑन द प्लेस इट, तो हमें क्या ऑब्टेंट हो जाएगी, फिनोल। तो इस प्रकार से हमने बेंजीन से फिनोल को बनाना सीखा, और आपको रटना भी नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, इस तरह से आपको बेंजीन से फिनोल बनाना सीख याद हो गया होगा, बेंजीन से फिनोल बनाना समझ में आ गया होगा। मेथड नंबर टू, एक मेथड और सीखते हैं बेटा बेंजीन से फिनोल बनाने का। देखिए अब हम बेंजीन से फिनोल कैसे बनाएंगे, हमें लेना होगा फेंटॉन्स रिजेंट। क्या लेना होगा बेटा, नाम याद करो फटाफट, फेंटोन रिजेंट। अब बेटा फेंटोन रिजेंट क्या होता है, फेंटोन रिजेंट होता है FeSO4 और H2O2 को हम फेंटोन रिजेंट कहते हैं। तो अब हम जब बेंजीन की रिएक्ट कराएंगे इस रिजेंट से, तो कैसे कराएंगे देखिए,
हमें रिएक्ट करानी होगी किससे, H2O2 से। तो हमें क्या ऑब्टेंट हो जाएगा बेटा, फिनोल ऑब्टेंट हो जाएगा। अब फिर वही बात आती है, हम इसे समझेंगे कैसे, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूवल हो जाएगा, समझना कैसे है बेटा। देखो तो समझे, समझते हैं हम इसको ऐसे बहुत ध्यान से बेटा। ये बेंजीन है ना, बताई थी पीछे अभी, ये बेंजीन है और इस ये हमारा H2O2 है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं H2O2 को, हाइड्रोजन परोक्साइड कहते हैं इसको। हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हो ना, जिसमें ये OH सिंगल बॉन्ड से आ जाए तो वो परोक्साइड बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन परोक्साइड कहते हैं, ये परोक्साइड बॉन्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको हमने बताया था ना बेटा बेंजीन के यहाँ सब पर हाइड्रोजन होते हैं विद कार्बन के साथ, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बेटा, ये हाइड्रोजन और ये OH, बोलो क्या निकलेगा बेटा, H2। और यहाँ से ये OH बचा ना, इसका हम यहाँ पर चुपका देंगे, उसको ऐड कर देंगे और हमें क्या ऑब्टेंट्स हो जाएगी, फिनॉल ऑब्टेंट्स हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, जिसमें हमने फेंटोन रिजेंट से बेंजीन को फिनॉल में इंटर कन्वर्टिंग करा। मेथड नंबर थर्ड, आइए एक मेथड और सीखते हैं बेंजीन से फिनॉल बनाने का। उस मेथड में हमें क्या करना होगा, उस मेथड में हम बेंजीन का हेलोजिनेशन कर दें। तो हेलोजिनेशन के लिए हमने इसका क्लोरीनेशन करा, तो जब हम क्लोरीनेशन करेंगे, हम इसमें Cl2 से रिएक्ट कराएंगे, तो हमें हेलोजन वाहक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हेलोजन कैरियर, तो हमें हेलोजन कैरियर की क्या होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी। अब बेटा हेलोजन कैरियर कौन कौन से हैं वो भी आप नाम याद कर लीजिए। हेलोजन कैरियर आप यहाँ पर ले सकते हो, Fe चूर्ण ले सकते हो, जिसको आप कह सकते हो Fe Fe आयरन पाउडर ले सकते हो, FeCl3 आयरन क्लोराइड, AlCl3 एलमोनियम ट्राइक्लोराइड, हेलोजन कैरियर के रूप में आप यहाँ पर बेटा यूज कर सकते हो। जब हम इस बेंजीन का क्लोरीनेशन कराएंगे तो हमको क्या ऑब्टेंट हो जाएगी, हमको क्लोरो बेंजीन ऑब्टेंट हो जाएगी। क्या ऑब्टेंट हो जाएगी, क्लोरो बेंजीन, इसका फॉर्मूला ये है। फिर यहाँ से हमें ना, हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। मगर बेटा याद रखना यहाँ पर कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर 300 डिग्री करना है और हमें वायुमंडलीय दाब एटमोस्फेरिक प्रेशर 200 करना है। हम 200 करेंगे तो हमें क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर फिनॉल ऑप्टेंट्स हो जाएगी और प्लस NaCl यहाँ से प्राप्त होगा। तो अब हम फिर इस स्टेप को समझते हैं, ये रिएक्शन कैसे हुई है। आइए देखिए बेटा, ये है आपकी बेंजीन और बेंजीन के यहाँ पर H होगा और हम Cl2 को इस टाइप से लिख सकते हैं, Cl और Cl, क्लियर बेटा। ये H और ये Cl यहाँ से निकल जाएंगे, तो बेटा बताइए क्या बनेगा, यहाँ पर HCl, और ये Cl जो होगा इसके इस स्टेट पर आकर ऐड हो जाएगी। तो इससे हमें बेटा क्या ऑप्टेंट हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन ऑप्टेंट हो जाएगी। फिर हम क्लोरो बेंजीन का क्या कर रहे थे, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराई थी, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड था ना बेटा। तो यहाँ से देखिए ये Cl और यहाँ से ये NaCl, तो क्या बन गया, NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये OH आपके इस स्टेट पर आकर ऐड हो जाता है, जिससे हमें क्या ऑप्टेंट्स हो जाएगी, फिनॉल ऑप्टेंट्स हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपने बेंजीन से फिनोल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।